हेलो गाइस, इट्स मिस सारंग फ्रॉम ईगलिस्टिक और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक डिफरेंट वीडियो। इसमें मैं आपको सेंट्रो का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाऊंगा, जिसमें कि मैं यूज़ करूंगा एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी और आपको मेरा लिंक कनेक्टिविटी के बारे में भी बताऊंगा। तो सारी डिटेल्स मैं दूंगा, पूरी वीडियो को देखना एंड तक, ठीक है? तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करें पकड़ें मुद्दा। दी ऑल न्यू सेंट्रो, इट्स ए 2018 स्पोर्ट्स वेरिएंट और आप देख सकते हैं कि इसमें ऑन ORVM इंडिकेटर्स और फुल व्हील कैप कवर्स हैं। एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे से कि स्पोर्ट्स वेरिएंट है और पीछे देखने से पता चल रहा है कि इसमें कैमरा और पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल नहीं है। तो अब हमारा जो मेन हाईलाइट है वीडियो के, वो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में आपको एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करके दिखाना। चलिए फिर इसके अंदर बैठते हैं और ये रहा इसका मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये इसका मेड और टेकोमीटर आ गया। हम सेंट्रो के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि ये इसका स्टेयरिंग है, स्पोर्ट्स मॉडल है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये इसका वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का कमांड है और मैं आपको पूरा इसका इंटीरियर यूज़ करके दिखाऊंगा कि एंड्रॉयड ऑटो कैसे यूज़ होता है हमारी न्यू सेंट्रो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अब मैं ना इसको ऑन कर दूँ। ये हमने घुमाई चाबी और ये स्टीरियो हो गया इसका ऑन, ठीक है? और ये इसका जो टच स्क्रीन 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसके थ्रू हम मतलब फ़ोन को कनेक्ट करके, ये रही हमारी USB केबल और ये रहा हमारा डिवाइस, मैं सैमसंग का यूज़ कर रहा हूँ, और हम इसको USB के थ्रू कनेक्ट करके इस पर एंड्रॉयड ऑटो की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकेंगे। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल मीडिया पर जैसे हम गए तो हमने अभी यहाँ पे देखा एंड्रॉयड ऑटो का फीचर है जो खुल नहीं रहा क्योंकि फ़ोन भी अभी कनेक्टेड नहीं है। तो उसको पहले कनेक्ट करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना होगा इस पर फ़ोन प्रोजेक्शन पे। फ़ोन प्रोजेक्शन पे जाते आपको एंड्रॉयड ऑटो को इनेबल करना होगा। अगर आपका मिरर लिंक अनेबल है तो एंड्रॉयड ऑटो बंद हो जाएगा, और अगर एंड्रॉयड ऑटो अनेबल है तो मिरर लिंक बंद हो जाएगा। इसको ऑपरेट करने के बाद आप दोबारा से बैक जाइए, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, USB केबल का जो मेन पोर्ट है ना, आप देख सकते हैं, इसको आपने यहाँ पे USB वाले सॉकेट में डाल देना है। ये डालते ही आप देख सकते हैं ये मैंने डाला, और जो दूसरा इसका पोर्ट है ये वाला, आप देख सकते हैं इसको मैं अपने फ़ोन में डाल दूँगा। आप एक मिनट दीजिए, मुझे थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, एक हाथ से पकड़ रहा हूँ फ़ोन को, ये रहा। और ये फ़ोन को मैंने कर लिया कनेक्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है? और ये देखिए आ गया एंड्रॉयड ऑटो का। आपको ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, अनलॉक टू कंटिन्यू, ठीक है? उसके बाद आपको दिखा दो, कंटिन्यू करेंगे, सारी परमिशंस वगैरह ग्रांट कर देंगे इसको, मोर पे जाके एक्सेप्ट कर दिया, मोर पे जाके कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू किया और सारी परमिशंस को कर दिया अलाउ, ठीक है? उसके बाद फिर से कंटिन्यू किया और ये परमिशन को ग्रांट कर दिया। जितनी भी परमिशंस मांगेगा आपको सबको अलाउ करना होगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये ओके हो जाएगा, ओके कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं कि अब एंड्रॉयड ऑटो मेरा इसके थ्रू कनेक्ट हो गया है, ठीक है? और अब आप देख सकते हैं कि ये गूगल असिस्टेंट वगैरह को सेटअप कर रहा है और ये पेयरिंग होगी मेरी सेंट्रो के साथ, ब्लूटूथ के थ्रू भी अब कनेक्ट हो चुके हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब ये वॉइस कमांड पेयर करेंगे, ये मोर पे जाके मोर आई एग्री, ये आपका गूगल कमांड का आ गया फीचर, ठीक है? अब हम फ़ोन को मतलब भाई ये हो जाए एग्री, अभी गूगल असिस्टेंट हमें 3 बार ओके गूगल कमांड को बोलना होगा, ओके गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल, ठीक है दोस्तों? ये कुछ ऐसे वर्क करेगा और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, सॉरी, ये फ़ोन पे हो गया। अब हम फ़ोन को अनलॉक करके यहाँ पे रख देंगे। अब जब ये एंड्रॉयड यूज़ कर रहा होगा एंड्रॉयड ऑटो, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब शो करेगा कि एंड्रॉयड ऑटो आ गया। सेटिंग की आइकन की जगह यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो को आ जाएगा, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप ऑल मीडिया पे जाके एंड्रॉयड ऑटो दबाइए। अब आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो की जो मेन स्क्रीन है वो खुल चुकी है, ठीक है? अब शो मी हाउ करके आप मतलब सारे इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहीं से सीख सकते हैं। अब इसको हम आगे कर देंगे तीनों प्रोसेसेस को। ये देखिए अभी हमारा आ गया मेन होम स्क्रीन है जो एंड्रॉयड ऑटो का, ये यहाँ से आएगा, ठीक है?
आप ऊपर देख सकते हैं कि सिग्नल स्ट्रेंथ और नेट का ये आर चल रहा है, चल रहा है, जो भी चल रहा है, मतलब क्वालिटी बताता है, रोमिंग भी अभी सेम, और ये हमें ये भी इंडिकेट करता है कि बैटरी परसेंटेज कितना है, ठीक है। और ये गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी वर्क करता है। अभी मैं नेटवर्क ऑन कर लेता हूँ इसका, और ये नेट वगैरह सब कुछ ऑन है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम एंड्रॉयड ऑटो पे चले जाते हैं, ये आ गया दोबारा से, ठीक है। अब हम एंड्रॉयड ऑटो पे गए, ये सारे फंक्शंस आ गए। आप इस फीचर के थ्रू कॉलिंग वगैरह का अपना सारा डायल पैड खोल सकते हैं, ये आपकी कॉल हिस्ट्री आ गई, ठीक है। जितने भी आपके सेव नाम होंगे या कुछ भी होगा वो सारा इस पे आएगा। उसके बाद ये आपका आ गया की पैड, आप यहाँ से डायल कर सकते हैं, तो ये इजी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद आ गए आपके हेडफोन्स, मतलब आप इसके थ्रू हेडफोन्स का ये आइकन है, सिर्फ आप गूगल के प्ले म्यूजिक इंजॉय कर सकते हैं स्ट्रीम करके, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका डायरेक्शंस, मतलब ये आपका जो हम कह सकते हैं मैप फंक्शनैलिटी, वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। गूगल मैप्स इस पे आपके ऑन द स्क्रीन चलेंगे, और स्क्रीन मिररिंग का कुछ ऐसा फीचर है, मतलब अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट करता है, अभी तो फिलहाल मेरे मॉडल में सपोर्ट नहीं कर रहा, बट जिन भी फोन्स में सपोर्ट करता है स्क्रीन मिररिंग, तो आप स्क्रीन मिररिंग अनेबल कीजिए, कनेक्शंस जो रहेंगे वो सेम यही रहेंगे, मतलब आपको अपना फ़ोन जो है डाटा केबल के साथ कनेक्ट करना होगा, और कनेक्शंस सेम यही रहेंगे। उससे फिर आपका ये होगा, जो आपके स्क्रीन पे जो भी चल रहा है, मान लीजिए वीडियो, जो भी आपका मतलब अकॉर्डिंग टू जो फ़ोन का डिस्प्ले फ़ोन पे शो हो रहा है, वो आपके फ़ोन की शो होने की जगह यहाँ पे शो होगा, जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ठीक है। उसको आप यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट आप फ़ोन के थ्रू जो भी करेंगे वो इस पर डिस्प्ले ज़रूर आएगा, ठीक है, सिर्फ वो डिस्प्ले पर्पसेस के लिए है। बाकी अब हम चलते हैं जो वॉइस रिकॉग्निशन है, ये स्पोर्ट्स मॉडल से शुरू होता है और आस्था पे भी आता है, वो तो टॉप मोस्ट वेरियंट होगा। इसको यूज़ करने के लिए बस आपको एक बार क्लिक किया, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन भी आ रही है, एक बार क्लिक किया और देखिए वॉइस रिकॉग्निशन ऑन हो गया, ठीक है, यहाँ इसे दबाने से। इसका फ़ायदा आपको ये है कि गूगल असिस्टेंट आपके मतलब सारी वॉइस रिकॉग्निशन करेगा, और उसके थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे देखिए अब मैं होम चल लगे, ठीक है, अब मेरे नियर बाय लोकेशन है जो ऊपर भाग चौंगे, तो मैं वहां पे नेविगेट करता हूँ, ठीक है, नेविगेट टू प्रभात चौक, नेविगेटिंग टू प्रभात चौक, सो इट विल ऑटोमेटिकली नेविगेट टू दैट प्लेस। तो आप देख सकते हैं आप यहीं से मतलब अपना स्टार्ट कर लीजिए जो भी है, और यहीं से आप कॉल्स भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सी कॉल माम, Who is your mum? MAAM. Sorry, say the name of the contact or say cancel. Mom. There are two people with that name, Mom or Mom 2. Mom. Which one do you want? First one, Mom. Sorry, do you want to remember Mom as your mum? Yes. Calling mom, mobile. तो मतलब आप इसको एक बार इसमें बता दिया आपने, तो ये सारा कुछ यहीं से फिर ऑपरेट कर लेगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम जब भी आप कॉल करेंगे मॉम या डैड को या सिस्टर को या ब्रदर को, तो वो गूगल असिस्टेंट के थ्रू मतलब आपको एक बार इसको मतलब रिमेंबर करवाना होगा कि ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये मेरे मॉम है, ये मेरे ब्रदर है, ये मेरे फादर है। बाकी आप सीधा नाम लेके भी, जैसे आकाश LDH लिखा हुआ है थर्ड कॉन्टैक्ट, तो आप नाम लेके भी उनको कॉल कर सकते हैं। बाकी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो पूरी यहाँ पे है ही है, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है, तो अगर आप फिर भी मुझसे कोई भी आपका इश्यू है, मतलब इसके रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हैं कि क्या भाई एंड्रॉयड एप्पल एंड्रॉयड ऑटो, तो मैंने बता दिया, अब एप्पल कार प्ले अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, वो भी मैं सेंटर पे आपको करके दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड।